नमस्कार, इस बार मैं खेम सिंह आया हूँ अपने YouTube चैनल पर। और इस बार मेरे चैनल पर जो वीडियो आने वाली है, तो इस वीडियो में आप सभी को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर एक खास विषय आप सभी के साथ साझा किया जाएगा। तो आज के इस पावन दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले। और अपने YouTube चैनल पर स्वागत करूंगा अशोक कुमार जी का, तो मेरे बहुत ही खास मित्र हैं ये। तो थोड़ी ही देर में आप इनका भाषण ज़रूर सुनेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दूंगा। और ऐसे ही आप आज के इस दिन का आनंद लेते जाइए, लेकिन ध्यान रहिए कि अपने पर्यावरण में किसी भी प्रकार की जो भी गंदगी है, कुछ भी है, तो अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें और वातावरण को शुद्ध बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अशोक आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके उपलक्ष्य पर मैं आपके सामने जिस विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मेरे उस विषय का शीर्षक है प्लास्टिक प्रदूषण समस्या एवं निदान। इस विषय को प्रस्तुत करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। प्रकृति एवं मानव ईश्वर की अनमोल एवं अनुपम कृति है। प्रकृति अनादिकाल से मानव की सहचरी रही है, लेकिन मानव ने अपने भौतिक सुखों एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसके साथ निरंतर खिलवाड़ किया और वर्तमान समय में ही वे अपनी सारी सीमाओं की हद को पार कर चुका है। स्वार्थी एवं उपभोक्तावादी मानव ने प्रकृति यानी पर्यावरण को पॉलिथिन के अंधाधुंध प्रयोग से जिस तरह से प्रदूषित किया और करता जा रहा है, उससे संपूर्ण वातावरण पूरी तरह आहत हो चुका है। वर्तमान समय को यदि पॉलिथिन या प्लास्टिक युग के नाम से जाना जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के भौतिक युग में पॉलिथिन के दुर्गामी दुष्परिणाम एवं विषैलेपन से बेखबर हमारा समाज इसके उपयोग में इस कदर आगे बढ़ गया है मानो इसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी हो। हालांकि प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं गरीब एवं मध्यवर्गीय लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक है, लेकिन वहीं इसके लगातार उपयोग से वे अपनी मौत के बुलावे से भी अनभिज्ञ है। यह एक ऐसी वस्तु बन चुकी है जो घर में पूजा स्थल से रसोई घर, स्नानागार, बैठक गृह तथा पठन पाठन वाले कमरे तक के उपयोग में आने लग गई है। यही नहीं, यदि हमें बाजार से कोई भी वस्तु जैसे राशन, फल, सब्जी, कपड़े, जूते, यहाँ तक कि तरल पदार्थ जैसे दूध, दही, तेल, घी और फलों का रस इत्यादि लाना हो तो उसे लाने के लिए भी पॉलीथीन का ही प्रयोग हो रहा है। आज मनुष्य पॉली का इतना आदि हो चुका है कि वे कपड़े या जूट से बने थैलों का प्रयोग करना ही भूल गया है। यह प्रचलन 4-5 दशक पहले इतनी बड़ी मात्रा में नहीं था। तब कपड़े, जूट या कागज से बने थैलों का ही प्रयोग हुआ करता था जो कि पर्यावरण के लिए लाभदायक था। पॉलीथीन या प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इसी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, लिहाजा इसे फेंकना पड़ता है जो कि संपूर्ण पर्यावरण को दूषित करती है। यह पॉली निर्मित वस्तुएं प्रकृति में विलय नहीं हो पाती, यानी यह बायोडिग्रेडेबल पदार्थ नहीं है। खेत खलियान में जहां भी पॉलीथीन होगा वहां की उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी, इससे भूमि बंजर हो जाती है और इससे बड़ी समस्या में नालियां अवरुद्ध होती है। खाने योग्य वस्तुओं के छिलके पॉली में बंधकर फेंके जाने से पशु इसका सेवन पॉलीथिन सहित करते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं और यहां तक कि इससे पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। जहां जहां मानव ने अपने पांव रखे वहां वहां पॉलीथिन प्रदूषण फैलता चला गया।
यहाँ तक कि ये हिमालय की वादियों को भी दूषित कर चुका है और ये इतनी मात्रा में बढ़ चुका है कि सरकार भी इसके निवारण के अभियान पर अभियान चला रही है। भारत में लगभग 10 से 15,000 इकाइयां पॉलीथीन का निर्माण कर रही हैं। सन 1990 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में इसकी खपत 20,000 टन थी, जो अब बढ़कर 3 से 4 लाख टन तक पहुंचने की सूचना है और जो कि हमारे भविष्य के लिए खतरे का सूचक है। प्रदूषण निवारण में समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, आइए अब हम इस विषय पर प्रकाश डालें। प्रकृति ईश्वर की अनुपम देन है, इसे संजोए रखना मानव समाज का कर्तव्य बनता है। अतः मानव समाज को प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के बचाव के लिए बढ़ चढ़कर आगे आना होगा और साथ ही इससे निपटने के लिए अपने अपने स्तर पर सहभागी होना होगा। इसमें चाहे बच्चे हो या बूढ़े, स्त्री हो या पुरुष, शिक्षित हो या अशिक्षित, अमीर हो या गरीब, गांववासी हो या शहरवासी, सभी को इससे निजात पाने के लिए सहृदय कार्य करना होगा। साथ ही आसपास के लोगों को भी अगर इसके विषय में हम जानकारी दें तो इसके निवारण में ये हमारा सबसे बड़ा कदम होगा। हम सरकार से भी यही आग्रह करना चाहेंगे कि वे प्लास्टिक बनाने वाली इकाइयों को बंद करें। अब यहाँ अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं विशेषकर पॉलीथीन रूपी जहर को फैलाने से रोक सकती है, क्योंकि महिला शक्ति की प्रतिमूर्ति है। वे रचनात्मक प्रकृति की होती है, वे घर, बच्चों व समाज की निर्मात्री होती है, इसलिए वे अपनी प्रवृत्ति अनुसार प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के बचाव के लिए रचनात्मक कार्य कर सकती है। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का चिपको आंदोलन है, जिसमें कि महिलाओं ने वृक्षों से लिपटकर इनको कटने से बचाया और यह महिला शक्ति की एक मिसाल बन गई। महिलाओं के साथ साथ समाज के हर वर्ग को, चाहे उसका कोई भी कार्यक्षेत्र हो, इस पॉलीथीन या प्लास्टिक रूपी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सभी को इसमें अपना योगदान देना होगा। इसमें योगी, साधक, पुजारी, पादरी, मौलवी, समाज सुधारक, समाज सेवी संस्थाएं, सभी को इसमें अपना योगदान देकर इससे निजात पानी होगी, तभी हम पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध रख पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ वातावरण देने में सक्षम होंगे। हम सरकारी तंत्र से भी यही आग्रह करना चाहेंगे कि वे प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें और वे प्लास्टिक बनाने वाली इकाइयों को बंद करें। इस प्रकार प्रकृति की गरिमा बनी रहेगी और जीव जंतु तथा पेड़ पौधे स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त रहेंगे। मुझे आशा है कि मेरा यह विषय आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस विषय को प्रस्तुत करते समय बीच में अगर हमसे कोई त्रुटियां हुई हो तो इसके लिए हमें क्षमा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अशोक आप सभी से लेता हूं इजाज़त। नमस्कार, शुक्रिया।